हरेक छोटे छोटे कस्बे में, हरेक राज्य में युवा सांसद का प्रोग्राम केंद्र सरकार की नीति द्वारा कराया गया, निश्चित तौर पर ये आधुनिक भारत, नव भारत में एक नया मिसाल कायम करेगी। आज नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री ने युवाओं को कमान संभालने की एक नई उजागर शक्ति दी, लोगों को निकालने की शक्ति दी कि आप ढूंढ के निकालिए कि किस युवा में शक्ति है कि वो देश का कमान संभाल सकता है, और इस प्रकार का युवा सांसद प्रोग्राम करवाया और देश के विभिन्न छोटे छोटे राज्य, जिले से, छोटे छोटे कस्बों से, गांवों से युवाओं को निकालने का कोशिश किया। आज ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री है और एक गरीब का बेटा है, एक गरीब का बेटा हमारा राष्ट्रपति है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है मित्रों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसको जमीनी स्तर पर कौन लाएगा? इसको जमीनी स्तर पर वही लाएगा जो केंद्र में सरकार में बैठी हुई है। केंद्र की सरकार को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज इससे पहले भारतवर्ष की नींव अगर आप पलटा कर देख लें तो कहीं से आपको लोकतंत्र की आधार शक्ति का पता नहीं चलेगा। बेटा का बेटा शासक, उसका बेटा का बेटा शासक, इस प्रकार की नीति। लेकिन आज जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, केंद्र की वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय लिया, युवा सांसद का प्रोग्राम कराया, मैं खेल मंत्रालय भारत सरकार राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं में बहुत उत्सुकता का काम किया है। आए दिन वो युवाओं के बीच नए नए प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करवाते हैं। भारत सरकार का यह प्रोग्राम युवाओं में एक अभिन्न अंग के तरह काम कर रहा है और नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी ने जिस प्रकार से युवा सांसद को एक नई ऊंचाई पे लाने का काम किया है, निश्चित रूप से युवाओं में एक दृढ़ संकल्प आएगा कि हम प्रतिज्ञा लेंगे कि 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार नए उम्मीदों के साथ, नए ताकत के साथ और युवाओं की शक्ति के साथ कायम करे। विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा शासक इस धरती पर कभी कभी आता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, आपका भाई।